कथा प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, समझना इसमें बच्चों को डाउट बहुत आता है। प्रीति मेट्रो स्टेशन पहुंचती है एंड फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, जो एस्केलेटर था जो वो वर्किंग नहीं था। सी वॉक अप स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम टी, अब समझना। प्रीति जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसको पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है वो जीरो है, ठीक है, और उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो उसने वॉकिंग करके चली गई, इस पर वॉकिंग करके चली गई। तो वॉकिंग करके जब जाती है तो उसको टाइम टी वन लग गया। अगर ये एस्केलेटर का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस टाइम जो स्पीड आ गया, इस टाइम जो स्पीड आ गया, समझना, वो स्पीड ऑफ प्रीति है विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रीति विथ डी वाई टी वन, समझना। ये भाई अगर मैं किसी फ्रेम में हूँ और मैं उसमें मैं बस में बैठा हूँ, मान लो, ठीक है, तो मैं बस में बैठा हूँ, तो मैं अगर मैं बस में बैठा हूँ या मैं बस में चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वेलोसिटी वो बस के रिस्पेक्ट में है, मेरा फ्रेम बस है ना यार, ठीक है। अगर मैं बस में बैठा हूँ तो मैं चल नहीं रहा हूँ, तो मेरी जो वेलोसिटी है बस के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बस में चल रहा हूँ और बस, ठीक है, और मेरे लिए, खुद मेरे लिए बस के अंदर नहीं, समझ, देखो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बच्चों को डाउट बहुत ज़्यादा आता है। देखो एक बस है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एक बस है। अब इस बस में दो ऑब्जर्वर हैं यार, ठीक है, एक ऑब्जर्वर बाहर से देखता है तो वो बोलेगा चाहे आप बस चल रही है या चाहे बस रेस्ट में है, आपकी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में है। तो जब एस्केलेटर चल रहा था या नहीं चल रहा था, प्रीति की जो वेलोसिटी वो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में डी वाई डी है, ठीक है, डी अपॉन टी वन है। दूसरे दिन जब वो गई तो ऑन द सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, एस्केलेटर खुद चल रहा था, और वो दूसरे दिन जब वो गई तो वो खुद उसी पर रेस्ट रही, उसकी वेलोसिटी जो है एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। तो वेलोसिटी अब एस्केलेटर का जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एस्केलेटर पे अगर कोई पॉइंट है वो ए से बी तक चला गया तो डिस्टेंस डी हो गया यार, डिस्टेंस डी हो गया। तो उसको जो टाइम लगा वो टी टू लगा एस्केलेटर को, प्रीति तो रेस्ट में यार। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर आ जाएगा डिस्टेंस डी अपॉन टी टू आ जाएगा, समझना। अब ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर तीसरा केस है व्हेन द एस्केलेटर टेक अप इन द टाइम टी टू द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अगर इस मूविंग एस्केलेटर पे वो चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, चलना स्टार्ट कर दे, तो हमें निकालना है उसको कितना टाइम लगेगा। अब जब टाइम पूछा जा रहा है तो उसकी जो हमें निकालना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो प्रीति की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना, ये मुझे जानना पड़ेगा यार, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, वेलोसिटी ऑफ प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर लिख सकता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ प्रीति और प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है, अब देखो अगर मुझे प्रीति में टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है डी, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यार इतनी तो समझ में आ रहा होगा टाइम, क्योंकि टाइम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर देख रहा है प्रीति को तो वो उसके लिए टाइम टी है जो हमें निकालना है। तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, प्रीति के लिए जो टाइम वेलोसिटी है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम टी जो कि हमें निकालना है, और ये हम डी अपॉन टी वन हमें पहले से पता था, और ये डी अपॉन टी टू हम निकाल के लेके आए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो टी टी कैंसिल हो, वन अपॉन टी बचा, और वो वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, इसका मतलब ये हुआ टी की वैल्यू टी वन टी टू और टी वन प्लस टी टू, ठीक है ये। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया।